उधम सिंह नगर जिले के आनंदपुर ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं ने अपने विकास से संबंधित अनुभवों को साझा किया। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी संजय छिमवाल ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। आज 29 तारीख को आनंदपुर में विकासखंड रुद्रपुर में ये संकल्प भारत विकसित यात्रा का कार्यक्रम किया गया। इसमें जो भी ग्रामीण हैं उनको सारी जो सरकारी योजना है उनके बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा, अन्य कृषि उद्यान जो भी विभाग यहाँ पर आए थे उनके द्वारा सभी योजनाओं को बताया गया तथा स्वास्थ्य का चेकअप कैंप भी लगाया गया था और गरीबों को उनकी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचाने के लिए माननीय मोदी जी का मोदी जी द्वारा जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है उसके तहत योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उषा ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उनके समूह को भी मिला है। इससे उन्होंने नए कार्य की शुरुआत की और समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी भी संवरी है। सीसीएल में ये योजना थी कि उसमें 1 लाख से 5 लाख तक का लाभ है। ये कम से कम ब्याज पर ये महिला जिसको अपना रोजगार करना हो, स्वरोजगार करना हो या सामूहिक रोजगार करना हो आप लोन ले सकते हैं कम से कम ब्याज पर। बस ये बहुत फायदा हुआ है इससे कई महिलाओं ने। मैंने खुद से अपना सिलाई का दुकान किया जिसमें मशीनें उठाई थी हमने, 4-5 मशीनें ली थी हमने और आज मेरा घर से चल रहा है।